फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बनाएंगे हम ये लड्डू गोपाल जी के लिए बुलन ड्रेस। तो बुलन ड्रेस बनाने के लिए हमने यहाँ पे देखिएगा घेरा बना लिया है, ये हमारा घेरा है। और हम 4 से 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए इस ड्रेस को बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कलर से घेरे को बनाया है और 2 कलर से ही हम ये यहाँ पर चोली को बनाएंगे। तो खुली चोली हम बनाएंगे, ये वाली पट्टी वाली। बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कलर की ऊन ली है और ये नंबर की सिलाई है। तो फ्रेंड्स इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में बना के आपको बना के बताएंगे किस तरीके से इसको बनाना है। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हमने यहाँ पर फंदे डाले हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 फंदे हमने चोली के लिए डाल लिए हैं। इस तरीके से बनाएंगे, उल्टा उल्टा बनाएंगे दोनों साइड से। पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी तरफ और इस तरीके से और लास्ट का फंदा किनारे वाला इस तरीके से धागा पीछे करके इसको सीधा बना लेंगे। इससे हमारी चेन बनकर आएगी। फिर से पहला फंदा उतारेंगे, बाकी के सभी फंदों को ये यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो दोनों साइड से इसी तरीके से इसको हम बनाएंगे। ये बन गया। अब दूसरी सिलाई है हमारी सीधी तरफ से, फिर से इसी तरीके से पहला फंदा उतारा धागा अपनी तरफ किया और इसको यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लिया। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट का फंदा ये सीधा। अब यहाँ पे हमारी ये 2 सिलाई बन गई हैं। अभी हम यहाँ पे बनाएंगे दूसरे कलर को, जो हमारा ये फिरोजी कलर है, इसको उल्टी तरफ से बना लिए इसको। तो इसकी भी हमें इसी तरीके से 2 सिलाई सीधी तरफ से उल्टा उल्टा बना लेंगे और 2 सिलाई उल्टी तरफ से। तो इसको हम इतना बनाएंगे 2-2 सिलाई करते हुए, जो ये लड्डू गोपाल जी के गले तक हमारा बन के तैयार हो जाए। तो बना लेते हैं आगे, आपको फिर दिखाती हूँ। तो हमने यहाँ पे देखिएगा ये 2 सिलाई से, 2 इससे और 2 इससे, इस तरीके से यहाँ पे एक तरफ से 6 सिलाई बना ली हैं और दूसरी तरफ से 6। तो टोटल हम यहाँ पे 12 सिलाई बना लिए हैं। अब ये लड्डू गोपाल जी के गले तक हमारी पट्टी आएगी चोली बन के। अब हमें गले के यहाँ से 2 भाग करने हैं, इसके गले से थोड़ा नीचे से करेंगे तो उतना ही बनाना है। अब फंदे हमने इसमें 12 डाले हैं तो आधे आधे फंदे हम दोनों साइड बनाएंगे। इस वाले कलर से बनाएंगे, देखिएगा 2, 3, 4, 5, 6 हमने इधर बनाए हैं और 6 हम इधर बनाए हैं। इस तरीके से धागा पीछे किया, इस तरीके से सीधा उतारेंगे पहले फंदे को, जिससे हमारी दोनों साइड चेन बनकर आएगी इस तरीके से। और धागा अपनी तरफ किया, यहाँ पे इसको उल्टा उल्टा बनाया। लास्ट के फंदे को इस तरीके से सीधा बनाया, पहले फंदे को उतारेंगे सीधा और लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। अब इसको हम जितना हमने आगे बनाया है उससे ज़्यादा हम पीछे बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो भाग है इसका आगे भी खुला आएगा और पीछे तो पूरा खुला ही रहेगा इस तरीके से। अब इसको एक पट्टी को एक कलर से बना लेंगे और दूसरी पट्टी को दूसरे कलर से, ये इस तरीके से देखिएगा।
तो बना लेते हैं, आगे आपको फिर दिखाते हैं। यहाँ पे हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात सिलाई हमने एक तरफ से बनाई है और 7 सिलाई एक तरफ से, तो यहाँ पर टोटल हमारी 14 सिलाई ये बन गई हैं। अब हमारी 8वीं सिलाई एक तरफ से है इधर सीधे तरफ से, तो ये हम पहला फंदा उतार लेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, इसको सिलाई में डालेंगे यहाँ पे और इस तरीके दो फंदों को एक साथ बनाएंगे। बंद कर रहे हैं यहाँ पे हम इसको पट्टी को, सभी फंदों को हम बंद कर देंगे। ये कर दिया हमने यहाँ पे सभी फंदों को बंद। लास्ट का फंदा हमारा बचा है, इसको हम यहाँ पे धागे को कट करेंगे। इस तरीके से धागे कट कर दिया है और कट करने के बाद में इस फंदे के अंदर से जो हमारा ये धागा है उनको हम निकाल लेंगे इस तरीके से। अब निकाल के यहाँ पे खींच के ये हम नोट लगा देंगे टाइट इस तरीके से। तो एक छोटी सी पट्टी हमने बनाई है पीछे, हम इसमें टिच बटन लगाएंगे तो गले पे इस तरीके से हम इसमें टिच बटन लगाएंगे। दूसरी पट्टी भी हम बना लेते हैं ऐसे ही, इतनी ही सिलाई बनाएंगे जितनी हमने इसमें बनाई है। 7 सिलाई बनाने के बाद में हमने 8वीं सिलाई पे इसको बंद कर दिया इस तरीके से, देखिएगा ये दूसरे कलर से बनाएंगे यहाँ पे उल्टी तरफ से। इसको हमने ज्वाइन कर लिया है उनको, पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी तरफ, ये इस तरीके से। तो 7 सिलाई हम एक तरफ से बना के 8वीं सिलाई पे जैसे हमने यहाँ पे बंद करा है तो ये वाली पट्टी को भी हम बंद कर लेंगे। चोली भी बनके तैयार है और यहाँ पे घेरा भी हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से हम घेरे को यहाँ पे पकड़ेंगे बीच में, देखिएगा यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल बीच वाला पार्ट यहाँ पे आ रहा है। इस तरीके से हम चोली को भी यहाँ पे हमारा इस तरीके से, अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे और ऐसे रखते हुए हम इसको सिल देंगे इसमें घेरे। हमने इसको यहाँ पे सिल के ये इस तरीके से नॉट लगा देंगे जो हमारा ये अच्छे से टाइट हो जाए। कट करेंगे धागे को, अब ये चोली इस तरीके से आएगी यहाँ पे इस तरीके से चोली आके, और इसमें हम ये देखिएगा अब जो हम टिच लगाएंगे तो टिच को हम इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से नॉट लगा देंगे अच्छे से, कोई भी आप ड्रेस बनाओ उसमें टिच बटन लगाओ तो अच्छे से पहनाने में वो ड्रेस हमारी आ जाती है। अब दूसरी वाली टिच हम इस तरीके से देखिए यहाँ पे लगाएंगे
इसको यहाँ पे रख के इस तरीके से लगाएंगे। इसको भी हम टाइट करके इस तरीके से नॉट लगा के और यहाँ पे कट करें। ये इस तरीके से गले में डाल के यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को और हम इसको पहना देंगे। अब इसमें हम डालेंगे डोरी। इसे हमने देखिएगा यहाँ पे डोरी बना के एक क्रोशिया से हमने डोरी बना दी है और इसके चारों तरफ यहाँ पे घेरे में डोरी को डाल दिया है। अभी आपको हम लड्डू गोपाल जी को पहना के दिखा देंगे किस तरीके से इसको पहनाना है। हमारे चार नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं तो इनको ये ड्रेस को हम पहनाएंगे। तो देखिएगा इस तरीके से पहनाना है, इस तरीके से यहाँ पे पीछे इसको पिछवटाना है, इस तरीके से लगा देंगे और इस तरीके से उठाएंगे दोनों साइड से। हमारी चोली देखिएगा कितनी प्यारी बन के आई है। अब यहाँ पे हम डोरी इसलिए हमने डाला है कि डोरी की मदद से आप टाइट पीला इसको कितना भी। इतना ढीला आपको रखना है, टाइट रखना है उतना इसको बांध लीजिएगा इस तरीके से। देखिएगा हमने डोरी की मदद से बांध दिया है। तो ये लड्डू गोपाल जी को देखिए कितनी प्यारी कितनी सुंदर ड्रेस हमारी बनके रेडी हुई है। तो ये चार नंबर को कितने से कितनी प्यारी ड्रेस आ गई है। और पीछे पीछे बटन ज़रूर लगाना जिससे देखिएगा इस तरीके से पीछे से इस तरीके से आ जाएगी। अच्छे से हमारे लड्डू गोपाल जी पूरे कवर हो गए हैं, इसमें बड़ी भी नहीं है और छोटी भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको ये ड्रेस अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में, नई नई वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।